पार्टी ने, मेरे कॉलीग्स ने और खुद कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने आपसे राफेल के विभिन्न पक्षों और पहलुओं के बारे में जिक्र किया है। जहां तक भारत की कंपनी जिसके विषय में ऑफसेट की इतनी बातें हुई हैं, उनके बारे में भी कई बिंदु आपके सामने अंकित किए गए हैं। मुख्य जो दो तीन बिंदु हैं मैं उनको दोहरा रहा हूं और फिर एक नई बात रख रहा हूं। इन किसी भी बिंदुओं पे न प्रधानमंत्री और न वित्त मंत्री, विशेष रूप से वित्त मंत्री जो दूसरों से प्रश्न पूछते हैं, किसी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देते। जहां तक भारत की कंपनी का सवाल है, जो प्रश्न नंबर एक होता है कि जिसको अंततो अथवा कोई ना कोई संबंध, कॉन्ट्रैक्ट, करारनामा, कुछ भी कह लीजिए, मिला फ्रेंच कंपनी से, क्या वो उस तारीख को पेरिस में था? क्वेश्चन नंबर वन। हमारे हिसाब से उत्तर सही है, यस, लेकिन नहीं है तो बताएं हमें। दूसरा प्रश्न कि क्या 10-12 दिन पहले इस यात्रा के एक नई कंपनी बनाई गई, जो मेरे कॉलीग जयपाल रेड्डी जी ने बताया आपको यहां से? अगर ये नकार सकते हैं तो नकारिए, हम तो स्पष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं। वित्त मंत्री जी इतना घुमाते हैं लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? या जो व्यक्ति इतने लोगों को लीगल नोटिस भेजते हैं, वो क्यों नहीं बताते कि ये कंपनी नहीं बनी थी 10-12 दिन पहले? प्रश्न नंबर तीन सबसे महत्वपूर्ण है और इस रूप में अभी हाल में नहीं पूछा गया, जो मैं वापस पूछ रहा हूं, मैंने खुद ने पूछा था पहले, कि ये बताइए मुझे कि आपके दिमाग को, आपके फलसफे को, आपकी इंटेलिजेंस को क्या ये अपमानित नहीं करता कि एक बहुत बड़ी फ्रेंच कंपनी 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट राफेल का था, जिसमें 50% ऑफसेट था, 30,000 करोड़, ज़्यादातर भारत की एक मुख्य कंपनी को मिलने वाला था, वो क्यों इस कंपनी को चुनेगी? क्या इस विदेशी कंपनी की मत मारी भी थी या किसी कुत्ते ने उनको काटा था कि पूरे देश में वो उस कंपनी को चुनेंगे जिसके ऋण हजारों करोड़ों में है? सोचिए आप, मैं किसी एक उद्योगपति का नाम नहीं, लेकिन भारत के टाटाज, बिरलाज, मुकेश अंबानी, स्थापित उद्योगपति, उनको किसी को नहीं चुनेंगे, सिर्फ उस एक कंपनी को चुनेंगे आप जिसके ऋण और आईबीसी के अंतर्गत पहले और बाद में बहुत व्यापक हैं। क्यों? क्या ये सरकार के समर्थन, सरकार के पुश, सरकार के प्रमोशन के बिना हो सकता है? प्रोत्साहन के बिना हो सकता है कभी? चौथा प्रश्न, और ये पहले तीन प्रश्नों को आप जोड़ते रहिए एक के बाद एक, ये अलग नहीं है, सब साथ जुड़े हुए हैं। चौथा प्रश्न, जैसा कि जयपाल रेड्डी जी ने कहा कि कोई व्यक्ति जो विदेश जा रहा है, इस विषय में एक कंपनी 10 दिन पहले कर रहा है, और जब आपके रक्षा मंत्री वहां नहीं जा रहे हैं और आपके विदेश सचिव कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट एजेंडा पे नहीं है, तो इसका एक ही अभिप्राय हो सकता है कि सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री और उस उद्योगपति को मालूम था कि क्या होने वाला है भविष्य में, और या वो एस्ट्रोलॉजी शास्त्र के माहिर थे। प्रश्न नंबर पांच, कि जब अंतिम डील हुई, इस ये तो हुआ 2015 में, जब प्रधानमंत्री ने मोहर लगा दी 15 में, उसके बाद कई समितियां बैठी उसको अप्रूव करने के लिए, ये उल्टी गंगा बहने का प्रक्रिया आपने सुना है कि नहीं? प्रधानमंत्री पहले मोहर लगा देते कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए आपसे, उसके बाद एक साल तक लोग बैठते हैं उसके करारनामे बनाने में। इसका एग्जैक्ट विपरीत होना चाहिए था, लेकिन जब यह करारनामा हुआ, फाइनल डील 26/9/16 को, तो क्या 3/10/16 को उस विदेश फ्रेंच कंपनी ने भारतीय उद्योगपति कंपनी से करारनामा किया कि नहीं, एक हफ्ते के अंदर? ये बाद वाली बात है। तो ये तो अभी तक आपके समक्ष था। अब आज की नई बात अब प्रकाशित है, पब्लिक डोमेन में है, सिर्फ एक अखबार की बात नहीं है, कई जगह छपी है, कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों माननीय प्रधानमंत्री ने ये सब प्रक्रियाएं पहले क्यों नहीं की, क्यों कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की पहले अनुमति नहीं हुई, क्यों वही व्यक्ति गए साथ में जिनको बाद में कॉन्ट्रैक्ट मिला,
उसका आज हमें कुछ 30,000 करोड़ मान लीजिए, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मान लीजिए, उसने एक फिल्म प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस वक्त के राष्ट्रपति फ्रांस के उनकी पार्टनर के साथ, जिनका नाम है मिस जूली गए, यह आज सार्वजनिक रूप से प्रकाशित है। और यह हुआ फिल्म प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट साइन 2 दिन पहले माननीय मोदी जी के MOU पे हस्ताक्षर या स्वीकृति देने के वक्त। एक व्यक्ति उद्योगपति जाता है, जाने से 10 दिन पहले एक कंपनी बनाता है, उसी उद्योगपति की एक दूसरी कंपनी एंटरटेनमेंट वाली उस देश के राष्ट्रपति की पार्टनर जूलिया गे के साथ एक करारनामा करती है फिल्म प्रोडक्शन का 2 दिन पहले, और उसके 2 दिन बाद MOU होता है राफेल का। अभी हम कितनी विचित्रताएं बताएं आपको। उसके बाद 24 जनवरी 2016 में, यानी दो तीन महीने बाद, जब प्रधानमंत्री वापस आ गए, आपको याद है रिपब्लिक डे पे उस दिन एक पूरा फंक्शन हुआ था, तो तब घोषणा होती है उस 24 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले कि वही भारतीय उद्योगपति की एंटरटेनमेंट कंपनी और मिस जूली गये की फर्म, जिसका नाम है रूज इंटरनेशनल, घोषणा करते हैं कि वो लोग दोनों एक फ्रेंच फिल्म बनाएंगे जिसका नाम है तू ला होत, फ्रेंच में प्रोनाउंस किया जाता है तू ला हो, जो रफली अंग्रेजी में कहते हैं ऑल द टॉप। अब ये सार्वजनिक रूप से मालूम है कि ये अग्रीमेंट उसी उद्योगपति की कंपनी के साथ साइन हुआ जो उद्योगपति विदेश गए उनके साथ, और जिनको बहुत बड़ा हिस्सा ऑफसेट का मिलने की घोषणा की गई है। मित्रों, इस ऑल द टॉप को आप केक के ऊपर चेरी के प्रकार मान सकते हैं। जो केक थी, जिस केक के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, काले धंधे और काले काम छुपे हैं, उस केक की चेरी ये डील भी मान सकते हैं। ये कहना कि लगभग 30,000 करोड़ का ऑफसेट, और खुद उस कंपनी और उस उद्योगपति के प्रोस्पेक्टस में छपा 1,00,000 करोड़ का लाइफ साइकिल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये हम नहीं कह रहे, प्रकाशित है, 50 साल तक उन्होंने अपने घोषणा की अपने शेयर होल्डर्स को कि 50 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट 1,00,000 करोड़ की मूल्य का होगा। 12 फरवरी 2018 को रक्षा मंत्री से कहलवाया गया, और इसलिए जैसे मेरे कॉलीग जयपाल रेड्डी जी ने कहा कि कई सारे ऐसे कनिष्ठ मंत्री नियुक्त हुए हैं, वरिष्ठ मंत्री नहीं, जिनसे आसान है कहलवाना। 12 फरवरी को कोट अनकोट नो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अवॉर्डेड। अब मजे की बात यही, जेती जी भी कह रहे हैं कि सरकार अवार्ड नहीं करती। अरे भाई, कौन कह रहा है सरकार ने फॉर्मली अवार्ड किया है? ये तकनीकियों पे आपको बहलाया बरगलाया जा रहा है। हम नहीं कह रहे कि सरकार ने अवार्ड किया है, निश्चित रूप से ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट वो विदेशी कंपनी करती है अवार्ड, लेकिन आप ये बताइए कि दसॉल कंपनी या तो पागल हो गई होगी या कुछ नई चीज हो गई होगी उसको, अगर वो आम दुनिया में आम तर्क पे 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट या 1,00,000 करोड़ का लाइफ स्टाइल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बिना सरकार के प्रोत्साहन झुकाव पुश के एक ऐसी कंपनी को देगी जो सबसे बड़ी ऋणी है भारत में करीब करीब, या सबसे बड़ी ऋणियों की सूची में है, और बाकी बड़े बड़े उद्योगपति देश के उनको कभी बात भी नहीं करेगी इसके लिए, तो ये गलत है। ये जब कहते हैं नो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अवॉर्डेड, ये तकनीकी है, ये टेक्निकलिटी है आपको डिफ्रॉड करने के लिए, आपको मूर्ख बनाने के लिए। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया सरकार ने, लेकिन सरकार ने विंक एंड अ नॉड, संकेतात्मक रूप से कह दिया कि भाई इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। महिला हैं, जब हमारी रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से मिली नई दिल्ली में, और उन्होंने आके खुद संयुक्त रूप से, निर्मला सीतारमन जी ने, फ्रांस की रक्षा मंत्री ने, हमारे मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने, और मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र श्री फडणवीस ने और उस उद्योगपति ने जो उस पूरे ग्रुप के हेड हैं, फाउंडेशन पत्थर, मूल जो पत्थर होता है नागपुर में इस फैक्ट्री या इस प्रोजेक्ट का लगाया। ये बात है 27 अक्टूबर 2017 की। तो ये इतने ज़्यादा विचित्रताएं, और कहीं भी कोई झूठी चीज़ नहीं है, कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कहीं भी कोई क्विड प्रो को नहीं है, ये अनायास स्वाभाविक रूप से हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग घास खाते हैं, समझती है सरकार, हम लोग सब मूर्ख हैं, समझती है सरकार, इसीलिए बार बार ऐसी चीज़ें बोलती है। ऐसी ऐसी संभावनाएं और स्वाभाविक चीज़ें अगर हो सबको तो बहुत हर्षित होंगे सब लोग। फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग।